हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल इंस्टाटेक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सिस बैंक का आप स्टेटमेंट कैसा ओपन कर सकते हो। पीडीएफ में जो आपको स्टेटमेंट आता है उसका पासवर्ड आपको नहीं पता है तो कैसे ओपन कर सकते हो, वो जिनको प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो ये वीडियो आज मैं आपके लिए लाया हूँ, तो देखते रहिए लास्ट तक। और इसको आपको ऐप नहीं होता है तो भी आपको प्रॉब्लम आता है, वो जिनको ऐप होना चाहिए इसका पीडीएफ व्यूअर का, पीडीएफ उनको खोलने नहीं आता तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो चलिए अब हम जानेंगे हम कैसे एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट को ओपन कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको इसमें पासवर्ड का कुछ फॉर्मेट होता है, आपको वो फॉलो करके डालना पड़ता है तो ही आपका ओपन होता है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आपको स्टेटमेंट नहीं है तो आपको स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेने का है, तो हमको पहले फॉर्मेट जान लेते क्या इसका फॉर्मेट है। तो पहले हमारा नाम का देखिए लिख लेता हूँ मैं, उसके नीचे हम आपको लिख के दिखाऊँगा और बताऊँगा कैसे करने का। तो राकेश लिखा है तो उसके से आपको स्टार्टिंग के 4 डालने का है, वो भी आपको कैपिटल में डालने का है। तो आपको कैपिटल में होना चाहिए सारा का सारा 4 लेटर, आपको स्टार्टिंग में जो भी नाम आता है उसका 4 डालिए और उसके आगे आपको क्या लगेगा, कस्टमर आईडी लगेगा। तो आपको कस्टमर आईडी लगाने का है, आपका नाम और कस्टमर आईडी ये आपको इधर डालने का है। अब उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके लिए हमको गूगल पीडीएफ व्यूअर होना चाहिए। तो आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पासवर्ड में हम क्या डालेंगे, हमारा वही डालेंगे जो फॉर्मेट आपको बताया था मैंने, और मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेता हूँ या आपको लिख के दिखा देता हूँ। चलिए तो ऐसा आपको लिखने का है, सब कैपिटल में लिखने का दोस्तों। और इसके बाद आपको अपना कस्टमर आईडी या यूजर आईडी जो भी आपको होता है वो डाल लेने का है। और उसको डालने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करने का तो आपका ओपन हो जाएगा। तो ऐसा करके आप अपना स्टेटमेंट को ओपन कर सकते हो दोस्तों। इतना इजी है तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।